हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे विद स्निग्धा। तो एथिक्स यानी कि जीएस पेपर 4 आपकी यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप राइट स्ट्रेटजी यूज करें तो ये हाई स्कोरिंग पेपर आपके लिए साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी ही स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके मार्क्स जो है इस पेपर में मैक्सिमाइज हो सके। सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एथिक्स पेपर का फॉर्मेट क्या है। देखिए, यूपीएससी की ऑफिशियल गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि ये इस पेपर के द्वारा एक कैंडिडेट का एटीट्यूड टेस्ट करना चाहते हैं, उनकी इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जनरल स्टडीज के पेपर से डिफरेंट है। जनरल स्टडीज के पेपर में आपकी नॉलेज या आपका एप्टीट्यूड चेक होता है, इसमें आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी कंपैशन, एम्पैथी वगैरह, ये सब चेक करने की कोशिश की जाती है आपके आंसर्स के थ्रू। तो आपको अपने आंसर्स में ये क्वालिटीज प्रॉपरली डिस्प्ले करनी है। तो ये पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जनरल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन बी में आपको केस स्टडीज दी जाती हैं जिसको आपको एनालाइज करके सॉल्यूशंस देने होते हैं। तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए को कैसे हैंडल करना है वो डिस्कस करेंगे, सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक फॉर्मेट आपको सेक्शन ए के आंसर्स के लिए यही रखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। आप यूपीएससी का कोई भी आंसर लिखें, ये फॉर्मेट तो आपको हर जगह फॉलो करना ही है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो एथिक्स के आंसर में इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे? डेफिनेशनल प्लस एग्जाम्पल बेस्ड अप्रोच एथिक्स के आंसर के लिए बेस्ट अप्रोच है। देखिए, अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी होगी आंसर राइटिंग पे, तो बाकी जीएस पेपर के अगर आप आंसर लिखे तो आपको रिकमेंडेड होगा कि आप डाटा से शुरू करें या एग्जाम्पल्स से शुरू करें या बहुत सारे इंडेक्स वगैरह से शुरू करें, वो एक इम्प्रेसिव बिगनिंग होती है। पर एथिक्स में ये डिफरेंस है, एथिक्स में आपको डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। आगे हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि कैसे आप यूज करेंगे डेफिनेशन की टर्म की। आप लिखिए सबसे पहले, उसके साथ ही एक एग्जांपल दे दीजिए और फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एड्रेस करना शुरू कर दीजिए। ये इसकी बेसिक अप्रोच है। आपके पास डाटा हो तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, पर ट्राई कीजिए कि आप डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन से ही शुरुआत करें अपने किसी भी एथिक्स आंसर की। उसके बाद बॉडी में आपको क्वेश्चन का हर पार्ट एड्रेस करना है, आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को मीट करना है, आप उसमें उसको डिमांड को मीट करने के लिए आप फिलोसोफर्स की थ्योरीज की हेल्प लेंगे, एथिकल थ्योरीज की हेल्प करेंगे, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज की हेल्प लेंगे, केस स्टडीज की हेल्प लेंगे, फ्लो चार्ट्स यूज करेंगे ताकि आप अपने कंटेंट को इम्प्रेसिव बना सके। बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको यूज करनी है, मैं आगे आपको एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ और टॉपर्स की आंसर शीट्स की, आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल डायमेंशंस आपको एड्रेस करनी है, मल्टीपल पॉइंट्स लिखने हैं बॉडी में। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट को बहुत डेप्थ में डिटेल में किया हुआ है, मल्टीपल डायमेंशंस कवर करने हैं। उसके बाद एथिक्स की टर्मिनोलॉजी बहुत यूज करनी है इसके आंसर्स में, जैसे वर्ड्स लाइक इंटीग्रिटी, कंपैशन, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंट, पब्लिक इंटरेस्ट। जितना भी आपका एथिक्स का सिलेबस है ना, वो सारी एथिक्स की टर्मिनोलॉजी है, तो आपको हर आंसर में ये भर भर के यूज करनी है। तो ये हो गया बॉडी पार्ट के बारे में। कंक्लूजन वही, आपकी ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं या समरी टाइप्स लिख सकते हैं पूरे अपने आंसर की, कमिटी की रिपोर्ट्स यूज कर सकते हैं, कोट्स से भी आप एंड कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी एक दो एग्जांपल्स देख लें। तो ये देखिए, आपके रैंक वन शुभम कुमार की आंसर शीट है, इन्होंने आंसर कैसे लिखा है हम चेक करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। दो इट मे सीम दैट अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशियंसी आर एंटीथेटिकल, मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर, अकाउंटेबिलिटी इज अ साइनाक्यूनोन, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस। तो आप देखिए, इसमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कीजिए पहले तो, अकाउंटेबिलिटी, एफिशियंसी एंटीथेटिकल या कंफ्लिक्ट में है, अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले तो देखिए, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, रेफर्स टू बींग answerable to one's action, उसके लिए example दी अच्छी सी। उसके बाद efficiency को address किया, तो उसके बाद कहा कि efficiency क्यों important है हमारे लिए, क्यों ऐसा माना जाता है कि accountability efficiency के रास्ते में आती है, but फिर भी हमें accountability चाहिए good governance के लिए। देखिए, हर part को logically one by one address किया, starting with definition।
तो आपको भी अपने आंसर्स ऐसे डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और उसके बाद एक एक पार्ट ऐसे तरीके से एड्रेस करना है। ये सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो आपको ये चार टर्म समझानी है और इनकी रेलिवेंस या सिग्निफिकेंस बतानी है विद एग्जाम्पल्स। तो देखिए, इसने पहले ऑब्जेक्टिविटी की पूरी डेफिनेशन लिखी, उसके साथ एग्जाम्पल लिख दिया श्रीधरन साहब का, आपको पता ही होगा। फिर इसकी रेलिवेंस में ये तीन पॉइंट्स लिखे। ऐसे ही परसुएशन की इन्होंने पहले डेफिनेशन लिखी, इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा एंड फिर इसकी रेलिवेंस लिखी, इसमें भी एग्जाम्पल्स यूज की हैं। आगे कंपैशन की इसी तरह डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल लिखी, रेलिवेंस। ऐसे ही एनोनिमिटी की, देखिए वुड्रो विल्सन, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी का ऑप्शन है तो वो समझेंगे, इन्होंने अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स को भी यूज कर लिया है। आप भी इसी तरह, आपका जो भी ऑप्शनल है अगर स्पेशली ह्यूमैनिटीज का है तो आप ये अपने ह्यूमैनिटीज के थिंकर्स को भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल के थिंकर को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही नीट और ऑर्गेनाइज्ड आंसर है, आपको भी ऐसे ही अपना आंसर की अप्रोच रखनी है। ये देखिए, इन्होंने फिर मैन इज नॉट ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट बट कैन ऑल्सो मॉडिफाई द एनवायरमेंट। इसके दो पार्ट हो गए, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट एंड मैन कैन मॉडिफाई द एनवायरमेंट। डू यू अग्री विद दिस, गिव विद एग्जाम्पल्स। तो ये दो पार्ट है, आपको बताना है आप अग्री करते हैं दोनों के साथ कि नहीं, और एग्जाम्पल्स देनी है। तो इन्होंने यही एक छोटी सी थॉट के साथ शुरू कर लिया, मैन इज अ सोशल एनिमल। उसके बाद मैन इज अ, कैसे मैन इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है उसकी एग्जाम्पल्स लिखी, फिर मैन कैसे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है उसके पॉइंट्स लिखे। और आप देखिए, इनमें भरपूर इन्होंने एग्जाम्पल्स यूज की हैं, गांधी जी की, अंबेडकर की, राजा राम मोहन रॉय, लिंकन, फिर से गांधी जी की, फिर उसके बाद पेरिस क्लाइमेट डील की। देखिए, बहुत ही डाइवर्सिफाइड आपको एग्जाम्पल्स ऐसे यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गांधी जी हर जगह लिखते रहे, हर क्वेश्चन में गांधी जी नहीं आ सकते, दो गांधी जी हर क्वेश्चन में फिट आ जाएंगे। आप जहां चाहें, गांधी जी की इतनी बड़ी थ्योरी और इतनी अच्छी मॉरल थिंकिंग थी कि आपको हर एथिकल क्वेश्चन में वो हेल्प करेंगे, पर आपको अपने आंसर्स बहुत ही इंप्रेसिव बनाने के लिए बहुत सारे थिंकर्स और ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज की एग्जाम्पल लेते रहना पड़ेगा। आप मेरी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी की सीरीज भी देख सकते हैं अपनी नॉलेज को एनरिच करने के लिए। तो ऐसे ही ये देखिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू थिंक डिस्पाइट राइजिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज राइजिंग एंड बिकमिंग मोर ग्रूसम डे बाय डे। ठीक है, एजुकेशन के बावजूद वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बहुत क्यों बढ़ रहा है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द एटीट्यूड। तो देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस, दो पार्ट्स हैं इसमें, एक तो आपको रीजंस बताने हैं और स्टेप्स बताने हैं एटीट्यूड चेंज करने के लिए। तो देखिए, टॉपर ने क्या किया, पहले तो एग्जाम्पल ले ली कैसे एजुकेशन के बावजूद विमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा है। आप देखिए, विमेनाइजर आईपीएस ऑफिसर्स, आपने एग्जाम्पल पढ़ी होंगी ऐसी, बीटिंग ऑफ वाइव्स एजुकेटेड रिच फैमिलीज में, डाउरी की प्रथा स्पेशली ये ऑफिसर्स की में। तो ये पढ़े लिखे होते हैं फिर भी ये सारे कामों में एडल्ट्री ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस एग्जाम्पल बेस्ड अप्रोच भी आप यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रीजंस लिख दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, वैल्यू एजुकेशन, इसमें बॉयज लॉकर रूम, आपने देखा होगा पीछे कोविड के टाइम पे ये बहुत इशू चला था। देखिए, इन्होंने इसकी एग्जांपल यूज कर ली, ये बहुत ही अच्छी इंप्रेसिव एग्जांपल है, इसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने एजुकेशन का पॉइंट लिया, लीगल पॉइंट लिया, जस्टिस का पॉइंट लिया, हर किसी का, पुलिस का पॉइंट लिया। देखिए, बहुत ही डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स यूज किए हैं, आपको भी ऐसे डाइवर्सिफाइड पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, एक ही पॉइंट पे पूरा आंसर नहीं खत्म करना है। उसके बाद देखिए, स्टेप्स टू चेंज टू ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंज, उसमें इन्होंने राइट सोशलाइजेशन, ये भी एथिक्स की टर्मिनोलॉजी है, ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है कि सोशलाइजेशन क्या होता है। जब आप बेसिक्स पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे कवर होता रहेगा। उसके बाद लक्ष्मणा, आप ये हमारी जो मिथिकल स्टोरीज हैं इनकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स, रामायणा, महाभारता, हमारे वेदाज, एपिक्स, आप कितनी भी यूज कर सकते हैं, ये आपके आंसर में बहुत वैल्यू ऐड करेंगे, आपको एडिशनल मार्क्स लाने में भी हेल्प करेंगी। और एक तो उपनिषद गंगा भी प्रोग्राम आता है, अगर आप फ्री टाइम में ऐसी चीजें देखते हैं ना तो आप यूट्यूब पे उपनिषद गंगा नाम का एक प्रोग्राम देख सकते हैं, उसमें इंडिया की जो माइथोलॉजिकल या ये एपिक्स हैं उनकी कुछ स्टोरीज दी गई हैं जो कि बहुत हेल्प कर सकती हैं आपको आंसर राइटिंग में, हरीश चंद्रा, ऐसी ऐसी
बहुत सारी उसमें एग्जाम्पल्स दी गई हैं, 50-60 एपिसोड्स हैं, आप देख सकते हैं फ्री टाइम में अगर आप चाहें। और उसके बाद इन्होंने एंड करते हुए ये डाटा दे दिया, तो आप भी ऐसे अपनी आंसर की अप्रोच रख सकते हैं। फिर से एक और लास्ट आंसर देख लेते हैं कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स व्हाई कैरेक्टर ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू एंड इनोमरेट द चैलेंजेस फेस्ड बाय सिविल सर्विस सर्वेंट्स इन कल्टीवेटिंग गुड कैरेक्टर। तो इन्होंने कह दिया कि गुड कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके पॉइंट्स लिख दिए। देखिए हर पॉइंट में एग्जाम्पल लिखी हुई है, अशोक हिम का 12 ऑफिशियल्स वॉलेंटरली रिटायर्ड, ई श्रीधरन, आर्मस्ट्रॉन्ग पेमे। देखिए ऐसी आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं अपने पास बना के रखनी है। उसके बाद इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, सोशलाइजेशन अगेन, एमोरल फेमिनिज्म, नेपोटिज्म, ये सारे कीवर्ड्स है, बिहेवियर चेंज, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा होगा इसको, इसीलिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही हाई वोकैबुलरी है। आप भी ऐसे अपने ऑप्शनल की वोकैबुलरी और एथिक्स से जो रिलेट होती हो वो यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है इसका कि एंड देखिए कोट के साथ किया, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट अ नेशन कैन मेक इज इन इट्स चिल्ड्रन। सारे थिंकर्स, नेल्सन मंडेला, गांधी जी, सबने ये कहा है, ये उनकी समझ लीजिए एक कोट इन्होंने लिख दी। ऐसे अगर आप आंसर को अपना कंक्लूड करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आप कंक्लूजन कोट बेस्ड रखने की कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग में भी आप कोट लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये नेक्स्ट देखिए अनुदीप दुरीशेट्टी की आंसर शीट है, जिनका रैंक 1 आया था 2018 में। तो देखिए इनके आंसर भी हम चेक कर लेते हैं एथिक्स का। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप्स, कैन देयर बी अ कंफ्लिक्ट बिटवीन देम, गिव एग्जाम्पल्स। तो देखिए इन्होंने भी डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, एथिक्स आर द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट दिस सोसाइटी प्लेसेस ऑन द मेंबर टू गाइड द बिहेवियर। इसका फंक्शन क्या होता है एथिक्स का, इट हेल्प्स चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड। एंड देन फिर पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है वो इन्होंने, देखिए ये ऐसे आपको डायग्राम्स ही यूज करनी है ताकि आप क्विक और क्रिस्प वे में बहुत सारा अपना कंटेंट लिख सकें। उसके बाद इन्होंने डिफरेंस एक्चुअली मेंशन किया, क्या उन दोनों में कन्फ्लिक्ट आता है ये किया, इसमें देखिए एग्जाम्पल यूज की, और लास्ट में लिखा इन सच सिनेरियो पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी प्लेस्ड अबव प्राइवेट कंसर्न्स। ऐसी कंक्लूडिंग में समरी टाइप कंक्लूजन आपने कर दी कि आप पूरा निचोड़ क्या है आपके आंसर का वो लिख दिया। तो ऐसी आप डाइवर्सिफाइड अप्रोच यूज कर सकते हैं। यही देखिए ऐसे डायग्राम्स आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए और मार्क्स जो है फेच करने के लिए, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। तो यही है कि अब आप ऐसे आंसर्स लिखने के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट विद द बेसिक्स, जितना आपका GS4 का सिलेबस है उसको उठाइए और टॉपिक बाय टॉपिक सबको कवर कीजिए, सब टर्म्स की डेफिनेशन देखिए, चाहे तो आप इंटरनेट यूज कर लीजिए, चाहे कोई भी बुक रेफरेंस के लिए यूज कर लीजिए। लेक्सिकन बड़ी यूज होती है क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है, वो आपको इजीली सब चीजें समझ आ जाएंगी, तो आप लेक्सिकन यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट भरपूर यूज कीजिए। डेफिनेशन देखिए हर टर्म की जो भी सिलेबस में मेंशनड है, हर टर्म के साथ एक एक एग्जाम्पल, अलग डिफरेंट यूनिक एग्जाम्पल, एक थिंकर की एग्जाम्पल होगी, एक आपकी पर्सनल लाइफ की एग्जाम्पल होगी, आपने कोई स्टोरी पढ़ी है तो वो लिख लीजिए। तो ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स बना के लिखे रखिए हर टर्म के लिए, ताकि आप जितने भी आंसर्स लिखें उसमें बहुत अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है मेंशन कर सके। तो हर इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी, कंपैशन, एम्पैथी, जो भी वर्ड्स हैं सबकी डेफिनेशन पहले कीजिए, उसके साथ एग्जाम्पल और केस स्टडीज बना के रखिए। फिर आपको डाटाबेस बनाना है एक इम्पॉर्टेंट थिंकर्स का, फिलोसोफर्स का, फ्रीडम फाइटर्स का और उनकी थ्योरीज और टीचिंग्स का। जैसे आप इंडियन और इंटरनेशनल दोनों प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज का डाटा बनाएंगे, गांधी जी हो गए, अंबेडकर साहब हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, मदर टेरेसा हो गए, राजा राम मोहन राय या ज्योतिबा फूले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, अहिल्या बाई होलकर एंड लक्ष्मीबाई, ये सारी जो फीमेल हमारी प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स रही हैं, ये सब की एग्जाम्पल बनाएंगे। इंटरनेशनल लेवल के भी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड एरिस्टोटल, प्लाटो, डैनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बहुत फेमस है। तो आपको हर तरीके के थिंकर, फिलोसफर और फ्रीडम फाइटर की थ्योरी पढ़नी है, उसको क्रिस्प वे में अपने पास लिख के रखना है ताकि आप कभी भी यूज कर सकें, और उनके जितने भी कोट्स वगैरह है वो भी आपको कलेक्ट करने हैं।
इसका आप डाटाबेस बना के रखिए। उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ से भी आप एग्जांपल्स लिख के रख सकते हैं। देखिए, आप बैठ के सोचिए कि कब आपने इंटीग्रिटी शो की, कब आपने अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज किया, आपका कभी पुलिस से इंटरफेस हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आप वर्क करते हैं किसी जॉब में है तो वहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसे वर्क कल्चर है, वर्क कल्चर में एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, एथिक्स के स्टैंडर्ड्स वहाँ कैसे मेंटेन होते हैं, जेंडर के साथ कैसे बिहेव होता है। तो ये सारी आज से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए आपके अराउंड जो वर्ल्ड चल रहा है और उसमें एथिक्स और मॉरेलिटी पे कैसे इम्फेसिस दिया जाता है, वो सब आपको बना के रखना है। न्यूज़पेपर से भी आप बहुत सारी कलेक्ट करेंगे। अगर आप मेरी द हिंदू की रोज की डिस्कशन सुनते हैं तो आपको उसमें भी बहुत सारा डाटा, केस स्टडीज और ऐसी एग्जाम्पल मिल जाएंगी। हमने ड्रेस बैंक की केस स्टडी डिस्कस की थी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं। वहां से भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें से भी इकट्ठी कीजिए। टीवी सीरीज कोई देखते हैं आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। डेली क्राइम एक बहुत अच्छी सीरीज है, आपको विमेन इश्यूज, पुलिस के इश्यूज स्पेशली कि पुलिस क्या इश्यूज फेस करती है केस सॉल्व करते हुए, उसके बारे में पता चलेगा। तो अगर फ्री टाइम में आपको शौक ही है देखने का चीजें, तो ऐसी चीजें देखिए जिसे आप यूपीएससी की आंसर राइटिंग में यूज कर सके, अपने आंसर्स को इनोवेटिव बना सके। अगर आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं वहां से भी कॉपी कीजिए स्टफ, कोट्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, डाटा सब यूज कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं ट्राई कीजिए कि उसको अपने आंसर्स में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एक जगह पे इन सब चीजों का शॉर्ट नोट बना के रखें। उसके बाद कोट्स का भी आपको कलेक्शन बना के रखना है, हर दिन एक नई कोट पढ़ा कीजिए। आप चाहें तो न्यूज़पेपर, कई न्यूज़पेपर्स भी हैं जो हर रोज कोट देते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, ट्रिब्यून, ऐसे वाले, या आप इंटरनेट पे ही एक्सटेंशन वगैरह लगा के रख सकते हैं कि हर रोज आपके पास एक कोट आ जाया करे। तो वो जब आप इतनी सारी रोज पढ़ेंगे ना, रोज नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली, रोज उनको रिवाइज करेंगे, अपने आप दिमाग में आपके फिट हो जाएंगी। जब रेलिवेंट आंसर आएगा ना, तो देखिएगा आपके दिमाग में खुद ब खुद ये चीजें आने लग जाएंगी, आप भी सोचेंगे कि ये मैंने कैसे लिख दिया। सीरियसली ऐसा होता है। तो बस आप एफर्ट करना शुरू कर दीजिए, आज से कंटेंट बनाना शुरू कर दीजिए, उसको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, मेरी नोट मेकिंग, मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी पे वीडियोस देख लीजिए, आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा आगे चलते हुए। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस डिस्कशन, होप इट हेल्प्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।